अंबेडकर नगर जिले को मिला पहला स्थान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनपद अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह को ज्वाइन किए एक महीना हुआ है कि प्रदेश के विकास की रैंकिंग में जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे उत्साहित जिलाधिकारी ने आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि अंबेडकर नगर में पर्यटन के क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है, जिसमें दरवन झील सहित सरवण क्षेत्र आदि स्थानों पर हमारे द्वारा सर्वेक्षण किया गया तथा जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। बहुत ही जल्द जनपद वासियों को पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। देखिए, आज इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किए हुए मुझे एक माह पूरा हो चुका है और उसी के संदर्भ में अपने समस्त पत्रकार साथियों के बीच में मैं उनसे वार्ता करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आज कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई माह फरवरी की जो 75 जनपदों की रैंकिंग में अम्बेडकर नगर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं के 35 विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में उपलब्धि के आधार पर यह रैंक निर्धारित की जाती है। जनपद अम्बेडकर नगर में लागू 58 कार्यक्रमों में से समस्त 58 कार्यक्रमों में ए रैंक मिली हुई है और इसका जो श्रेय मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराज जैन जी और उनकी समस्त जो टीम है उसको जाता है। और इन लोगों ने एक अथक परिश्रम करके आज जनपद अम्बेडकर नगर को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज इस मौके पर मैंने अपनी पूरी टीम को ये अपेक्षा भी की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो समस्त जनोन्मुखी कल्याणकारी विकास परक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको शासन की मंशा के अनुरूप भविष्य में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए और भी जनपद को और ऊँचाइयों पर ले जाया जाए। इसके साथ ही इस जनपद को जो हम लोग चाहते हैं कि पैटर्न के मानचित्र पर इसको अंकित किया जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने पूरी अपनी टीम के साथ दरबन झील का भ्रमण किया और उसको पर्यटन स्थल एवं पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में हम लोगों ने प्रस्ताव को तैयार करके शासन को भेज रहे हैं। दरबन झील जो है 4 ग्राम पंचायतों के बीच में लगभग 500 बीघे से ऊपर के क्षेत्रफल में ये झील फैली हुई है और अगर हम इस झील का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में अगर इसको विकसित कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो अंबेडकर नगर जनपद के हमारे निवासी हैं और बहुत बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटन के लोग हैं उनको एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल जो है दरबन झील के रूप में मिल जाएगा, जहाँ की बाहर से बहुत ही ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आप किसी भी समय वहाँ पर जाकर चाहे इसके डेवलपमेंट के बाद जो हमारी बोट्स होती हैं स्टीमर होती हैं उसके माध्यम से भी नौकायन करके इसका पूरा पैटर्न का जो लुत्फ है उसको उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टांडा लॉक में एक स्पॉट है उसको हम लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। जो ग्राम सभा पुंथर में है और लगभग 25 हेक्टेयर में फैली हुई है। इस झील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर समय इसमें पानी भरा रहता है। कहने का आशय यह है कि जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन जो एक विकास की योजनाओं पे पूरी तरह से काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो जनपद अंबेडकर नगर को पर्यटन के मानचित्र में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिससे कि जो हमारे क्षेत्र में इधर शिव बाबा भी है सवर धाम भी है इनको भी हम लोग डेवलप करने के लिए एक SOP बना रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में आप पाएंगे कि जो अंबेडकर नगर जनपद है जो विकास के जो मैप में जो सबसे आगे आपको दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन के मानचित्र में भी यहाँ पर अनेक ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जहाँ पर लोग बाहर से आकर यहाँ पर जो पर्यटन से जुड़ी अपनी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे।